देखें, अभी ये जो मैंने प्रोजेक्ट आपको दिया है ना, ये इसका मकसद ये है कि आप लोगों का थोड़ा सा ना इंजीनियरिंग का एक फ्लेवर दिया जाए। तो पहला आपका सेमेस्टर है, मेरा आइडिया ये है कि ये हमारे पास जो है ना वाटर लेवल है, इसको हमने यहाँ पे इस हाइट पे पानी को पहुँचाना है। इसको प्रॉब्लम्स का बहुत सारे सोल्यूशन दे सकते हैं। मैंने एक आइडिया सजेस्ट किया सर कि आप एक इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो है ना स्पून लाइक मैकेनिज्म है, जिसके आगे समझते हैं बकेट है, ये पानी में डिप होगी तो इसमें पानी फिल हो जाएगा, और ये हॉलो पाइप है, ठीक है। और हमने इसकी दूसरी तरफ एक आउटलेट बनाई हुई है, इसका यानी पानी हमें जो है ना मिल सके यहाँ से। अच्छा, इसके आगे हमने जो है ना मेटेलिक एक प्लेट लगा दी, इसी तरह की एक प्लेट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आप सेट करते हैं, यानी आपने डिज़ाइन बेसिकली क्या करना है, इसकी लेंथ कितनी होगी यहाँ से, फिर जिधर फोर्स लग रही है इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये आपने खुद सेट करना है। जाहिर बात है, अगर ये 1 मीटर 10 मीटर्स है, ये 1 मीटर है, तो इधर जो फोर्स होगी सिर्फ 10 टाइम्स ज़्यादा फोर्स अगर अप्लाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, बकेट का कोई आप साइज़ सेट करेंगे, उसमें जो है जितना पानी फिल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लीटर्स फिल होता है, तो 50 लीटर्स 1 लीटर का अप्रॉक्सीमेटली 1 kg वज़न होता है, 50 लीटर का 50 kg होगा। 50 kg का मतलब है कि 50 × 9.8 या अप्रॉक्सीमेटली 10 से आप कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस पर डाउनवर्ड। इसको उठाने के लिए या बैलेंस करने के लिए ना, यहाँ पे आपको अगर ये सपोज 10 मीटर्स आप रखते हैं, इसको 1 मीटर रखते हैं, तो कम से कम जो है ना आपको यहाँ पर 5000 न्यूटन्स की फोर्स की ज़रूरत है, 10 टाइम्स ज़्यादा, बिकॉज़ ये जो है ना मोमेंट ऑफ फोर्स से जब आप इक्वेट करेंगे तो उसे अगर आप योग इसे निकालेंगे तो इधर से आपके पास जो है ये फोर्स इसकी 10 टाइम्स ज़्यादा आएगी। अच्छा, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली लगेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली जब आप फोर्स लगाते हैं तो इसमें वो जो इक्वेजन है ना आपकी K² / R², ये फार्मूला 2 पॉइंट चार्जेस का होता है। इसी तरीके से जो प्लेट्स के लिए फोर्स का फार्मूला होगा वो आप अप्लाई कर लें, अगर पॉइंट चार्ज हो तो ये फार्मूला यूज हो जाए। अच्छा, अब इसके ऊपर ये फोर्स तो लगेगी, चार्जेस से चार्ज आप कैलकुलेट कर लेंगे, भाई इतना चार्ज होगा तो इसको बैलेंस कर लेंगे, लेकिन मसला ये है कि आपने बैलेंस नहीं करना, इसको उठाना है तो इससे ज़्यादा फोर्स होनी चाहिए। अगर ये 500 न्यूटन है और यहाँ पर 5000 न्यूटन इसको बैलेंस कर रहा है, तो 2 टाइम्स आप लगाएं 10,000 या इससे ज़्यादा, जित ज़्यादा फोर्स से फिर ज़्यादा टाइम कम लगेगा, और वो कितना टाइम कम लगेगा ये फिर आप कैलकुलेट इसका कर लीजिएगा कि F=ma और वो वाली इक्वेशन लगा के। अच्छा, इधर क्या करेंगे कि यहाँ पर चार्ज कैसे ट्रांसफ़र करें, चार्ज ट्रांसफ़र करने के लिए ना हमारे पास इक्वेशन है Q=CV। क्यों चार्ज हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वोल्टेज के ज़रिए से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें या इस तरह से करें, या टर्मिनल हो के इस पोजीशन में कॉन्टैक्ट बने और ये वोल्टेज इसके क्रॉस आए और ये चार्ज ट्रांसफ़र हो जाए। और दूसरा इसका, और दूसरा ये कि जब ये नीचे की तरफ मूव करें तो यहाँ से डिसकनेक्ट हो और यहाँ पे एक अर्थ हो, अर्थ के साथ ये प्लेट कनेक्ट हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज होगी तो बाई ग्रेविटी एक्शन वापस चली जाएगी बकर। अच्छा, अब ये जो आपकी बैटरी वोल्टेज कितनी हो तो इतना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जो आपने फोर्स से कैलकुलेट किया उसमें आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है ना वो आपको उसकी सेट करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, परमिटिविटी पे, एरिया पे, ठीक है, और जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस कितना है बीच में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जैक्टली ये अप्लाई नहीं हो सकता, इसको अभी फ़िलहाल मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये गाइडिंग आर्म्स इसके साथ लगाएं तो उसको फिर वर्टिकल मूवमेंट भी, यहाँ पर आपके पास जो है ना इसकी रोटेशन भी है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल में भी फिलहाल नहीं जाए, बियॉन्ड द स्कोप है। आप इतना ही रखेंगे जितना डिस्टेंस आपने रखा है तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटेंस की मदद से आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। क्यों आपने इधर फोर्स से निकाला है, क्योंकि फोर्स आपके पास ये मोमेंट आर्म वगैरह लगा के पानी के साइज वॉल्यूम के हिसाब से नहीं है, तो इस ये आपने बेसिकली ना साइज़ कितना रखेंगे बकेट का, कितना वॉल्यूम पानी का आएगा, ये लेंथ कितनी रखनी है, ये कितनी रखनी है, रेट का एरिया कितना रखना है, डिस्टेंस कितना सेट करना है, वोल्टेज कितनी देनी है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, और जो डिलीवरेबल है एंड वो एक डिज़ाइन होना चाहिए और उसमें सारे पैरामीटर्स लिखे हों, मैं उसको फॉलो करूँ तो ये मशीन बना सकूँ, ठीक है। बनाना कुछ नहीं है, अपने सिर्फ पेपर पर जमा कराना है, ठीक है। थैंक यू।